डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पर लोगों का विश्वास आजादी से पहले से कायम है। इसकी वजह है वो पूर्व गवर्नर जिन्होंने इसकी परंपरा और कार्य पद्धति से भी कभी समझौता नहीं किया और हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था और उसी नब्ज पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है अथवा परिचालन के योग्य नहीं होने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट भी करता है। इसका उद्देश्य आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। नोटबंदी के बाद नए भारतीय नोट प्रचलन में आए, जैसे कि 2000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के करेंसी के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू भी हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको सबसे छोटे नोट यानी 1 रुपए के नोट की बड़ी कहानी बताने जा रहे हैं, जो आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, इसे भारत सरकार जारी करती है। यही वजह है कि 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर भी नहीं होता। 1 रुपए के नोट पर देश के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आज के समय में नोट के रूप में 1 रुपया सबसे छोटी मुद्रा है। हमारे देश में रुपए पैसों की टकसाल का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी सब पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वहीं 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार आरबीआई को 1 रुपए के बैंक नोट जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नोट के अलावा ये सिक्कों के रूप में भी बाजार में है। लिहाजा इसे लायबिलिटी माना जाता है और मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ नहीं लिखा रहता है। 1 रुपए के नोट के 100 से भी ज्यादा सालों के इतिहास में इन पर 2 बार रोक लगी। सबसे पहले साल 1926 में लागत संबंधी वजहों से इस नोट पर रोक लगाई गई। बाद में 1940 में नोट दोबारा बनने लगे, जो 1994 में एक बार फिर से बंद कर दिए गए। इसके बाद 2015 से नोटों की छपाई फिर से शुरू हो गई। हालांकि 2 बार नोट बनने पर रोक लगने के बाद भी इनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ और ये हमेशा वैध रहे। आजादी के बाद नोट से जॉर्ज पंचम की तस्वीर हटाकर अशोक स्तंभ प्रिंट किया जाने लगा। कहा जाता है कि पहले भारत सरकार ने इस पर गांधी जी की तस्वीर चित्रित करनी चाहिए, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा संभव नहीं हो सका। नोट पर उस वक्त वित्त सचिव के दस्तखत थे। 1 रुपए के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार को कॉइनेज एक्ट के तहत मिला हुआ है। इस एक्ट के तहत केवल 1 रुपए के नोट छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है, लेकिन इस नोट और सिक्कों का बाजार में सर्कुलेशन आरबीआई के तहत ही आता है। इस एक्ट में हालांकि वक्त वक्त पर कई बदलाव होते रहे हैं। 1 रुपए के नोट पर सिल्वर लाइन भी नहीं होती, जो बाकी के नोटों में होती है। अमर उजाला.com